कैसरा इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ सुलह की खबरों की तरदीद कर दी। कहती है रिहाई में चौधरी शुजात ने कोई किरदार अदा नहीं किया, मैंडेट की वापसी तक कोई भी बात नहीं होगी। इससे पहले दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी जिसमें चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को काफ लीग में वापसी की दावत दी। काफ लीग के तर्जुमान ने सुलह का दावा किया था। तर्जुमान काफ लीग मुस्तफा मलिक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सुलह हो गई। साबिक वजीर आला ने रिहाई में किरदार अदा करने पर चौधरी शुजात का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई की साबिका सियासी टीम मामलात को हाथ में लेने के लिए मुतहर्रिक हो गई। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ग्रुप बनाने के लिए राबिते और मुलाकातें शुरू कर दी गई। ज़राए का कहना है मुफाहमत और मुज़ाकरात के हामी बानी रुकन हामिद खान और सेनेटर अली जफर ने भी मौजूदा पॉलिसी से खुद को अलग कर लिया है। सराय कहते हैं साबिका टीम ने मामलात हाथ में लेने के लिए राबिते और मुलाकातें तेज कर दिए। तहरीक इंसाफ में क्यादत की तब्दीली के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बानी पीटीआई की साबिका सियासी टीम ने मौजूदा क्यादत के मुतवाजी राबिते और मुलाकातें शुरू कर दी हैं। फवाद चौधरी मौजूदा क्यादत से इख्तलाफ का पहले ही इजहार कर चुके। जराए ये भी बताते हैं साबिका सियासी टीम के अराकीन असद उमर, अली जैदी, जमशेद चीमा और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से राबितों में मसरूफ है, जबकि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और शेर अफजल मरवत भी अलग अलग धड़ों पर काम कर रहे हैं।